क्वेश्चन नंबर 17 और नंबर 2, प्रूफ क्या करना है हमें? इस दफा हमें प्रूफ करना है कि शो दैट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगेन हमारे पास इस इक्वेशन की दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हमें प्रूफ करना है कि अगर हम एक साइड लेके चलें तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं दूसरी साइड के। तो हम जो है ये वाली साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड इज ए यूनियन बी इन इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। इसको ज़रा गौर से देखें, कोई चीज़ नज़र आ रही है जो पहले आपने देखी है? याद करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ व्हाट, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसको अगर उल्टा अप्लाई कर दें, यानी इनवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है अगर वो लगा दें हम इसके ऊपर, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि दिस थिंग इज इक्वल टू ए यूनियन ए प्राइम, और लेफ्ट से जो है वो हमारे पास, लेफ्ट से नहीं, राइट से, राइट से बी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो हम जो हमारा एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड के ऊपर वो मिल सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिर्फ हमने यूज़ किया है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चाहे तो आप लिख लें इनवर्स करके, यानी उल्टे डायरेक्शन में यूज़ किया हमने, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हमने उसको कॉमन लेके बाहर निकाल लिया बी को। ठीक है, तो बी ये वाली सिचुएशन हो गई। अब हमारे पास जो है ए यूनियन ए प्राइम, ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये हमें मालूम है कि यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी है यूनियन की। ठीक है, ये हमें पता है, ये हो गई यूनियन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हमने मेरे ख्याल में सेक्शन 1.4 में देखा था, ये यूनियन हो गया इंटरसेक्शन बी। अभी हम आपको बता चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लें तो हमें वही सेट दोबारा मिल जाता है, ये है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है जनाब, ये भी हमने सेक्शन 1.4 में देखी थी, और दिस इज व्हाट वी हैव एट द राइट, एट द लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर राइट हैंड साइड जो है वी हैव शोन दैट दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड वी आर डन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वही 17 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन 17 पार्ट 3। एंड यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है कि इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगेन हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड जो है वो, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमें प्रूव करना है कि ये इन दोनों को हम में से कोई सी एक लेकर हम ये शो कर सकते हैं कि वो दूसरी साइड के बराबर है अगर ये वाली कंडीशन जो है वो मौजूद हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द राइट हैंड साइड ऑफ दिस थिंग। सो हम ये पूरा ही ले लेते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली प्रूविंग दैट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, सॉरी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में मैं काफ़ी देर से आपको लेक्चर दे दे के अब इंटरसेक्शन और यूनियन कन्फ्यूज़ करने लगा। ए यूनियन ब्रैकेट ए प्राइम इंटरसेक्शन बी जो है ये बी के बराबर है इफ व्हाट वी हैव इज दिस, यानी ए जो है अगर वो सबसेट है बी का। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस राइट हैंड साइड। ठीक है, ए यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, क्या कर सकते हैं इसको हम मजीद? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किया जा सकता है इसको। तो अप्लाई करें, ये हमें मिलेगा, हमने अप्लाई दिस थिंग इज इक्वल टू ए, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन ए प्राइम इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा हम जो है यहाँ पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, उम्मीद है कि आप इसको, नहीं इसको पूरा लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी एग्जाम में जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो तो हर चीज़ पूरी पूरी लिखें ताकि एग्जामिनर के पास कोई एक्सक्यूज़ ना रहे आपके क्वेश्चन जो हैं उनको, यानी उनके जो मार्क्स हैं उनको काटने के।
तो ए यूनियन ए प्राइम क्या चीज़ होती है? ए यूनियन ए प्राइम हमें मालूम है कि यू के बराबर होता है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है यूनियन की, ठीक है, तो हमने यूनियन की प्रॉपर्टी लिख ली है। आप अगर अपने एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो लिखें प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, ये यू के बराबर हो गया, यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर निकाल रहे हो आप यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वही सेट दोबारा मिलता है, तो ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी के, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। या हाँ, ये भी सेक्शन 1.4 में देखा था हमने। अच्छा, अब हम अपनी जो कंडीशन है ये वाली, ये इस्तेमाल करते हैं। ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी क्या कर रहे हैं? वो सारे एलिमेंट्स के जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, अगर हमें ये पता हो कि ए जो है, इफ़ इट इज़ ए सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी विल ओनली बी इक्वल टू बी, क्योंकि वो सारे एलिमेंट जो ए में वो बी में ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए यूनियन के नतीजे में कोई ऐसा नया एलिमेंट नहीं आने वाला कि जो बी में नहीं हो। यहाँ पर हमें ये भी एक प्रॉपर्टी है, सबसेट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड सबसेट्स, ठीक है, हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं 1.3 1.4 के अंदर, और दिस इज इट, वी आर डन। हमने ये प्रूव कर दिया कि जब ये कंडीशन होती है तो ये जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड के ऊपर, ये ए यूनियन बी के बराबर हो जाता है, और ए यूनियन बी जो है वो इस कंडीशन के अंदर बी के बराबर, देयर फोर लेफ्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड अंडर दिस कंडीशन, नॉट इन जनरल बट अंडर दिस कंडीशन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। आप सारे सवाल हल हो गए हैं और आप भी थक गए होंगे। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और उम्मीद है कि सेट थ्योरी में अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो वो आप हमें लिख भेजेंगे और हम उसको जो है हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहा। ठीक है जनाब, जाइए, जाके मज़े कीजिए, खुश रहिए।